हाँ जी देखिएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस 102 स्टार्ट किया था अपने उस दिन। क्या क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, क्या होता है शेयर बेस्ड पेमेंट? अगर आप पेमेंट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, किसके लिए? फॉर गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स। ओके, इनफैक्ट अंडर एसबीपी शेयर्स आर यूज एज करेंसी कैश। ओके, पॉइंट्स टू बी नोटेड में क्या बोला था अपन ने कि अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर में इश्यू कर रहे हो, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, तब तो इसमें कवर होगा। वेरिएबल कर रहे हो जिसका पता नहीं है तो यहाँ पे कवर नहीं होगा। कहाँ कवर होगा? इंड एस 32। ओके, फिर हमने इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल भी देखा। एक में 50 लाख रुपए के लिए हम 1 लाख शेयर दे रहे थे, फिक्स था, नहीं तो एसबीपी के अंदर कवर हो रहा था। 60 लाख रुपए के लिए हम क्या कर रहे थे? 3 महीने बाद क्या मार्केट रेट होगा उसके बेसिस पे शेयर देंगे, तो इसमें एसबीपी कवर नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इंडेक्स 102 में नहीं आएगा। मेजरमेंट वैल्यूएशन में ट्रांजेक्शन, मैंने कहा था कि मेजरमेंट मतलब हम रिकॉर्ड कैसे करें, कितने पे करें, तो रिकॉर्ड के लिए जो वैल्यूएशन वैल्यू डिसाइड करना था, मैंने कहा डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन किसके साथ है, विद आउटसाइडर्स और विद एम्प्लॉइज। अगर आउटसाइडर्स के साथ है तो पहले किसका वैल्यू डिसाइड होगा? पहले एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू डिसाइड होगा, क्योंकि वो आइडेंटिफिएबल है, और फिर उसके बेसिस पे शेयर्स ठीक है इश्यू कर दिए जाएंगे। उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि शेयर का फेयर वैल्यू ये है। लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो विद एम्प्लॉइज, तो जो सर्विसेज ले रहे हो एम्प्लॉइज से वो आइडेंटिफिएबल नहीं है। जो आप शेयर दे रहे हो वो कौन सी पर्टिकुलर सर्विस के लिए दे रहे हो? नो, सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल। ऐसे केस में क्या होगा? पहले शेयर का फेयर वैल्यू डिसाइड होगा और उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग हो जाएगा, वही फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज मान ली जाएंगी। ओके, फिर हमने इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन किया कि एक में तो हमने सर्विसेज बाहर से खरीदी थी तो 50 लाख का पेमेंट करना था, 1 लाख शेयर देने थे, तो फेयर वैल्यू आ गया था शेयर का 50। और दूसरा जो था एम्प्लॉयज के साथ था, 3 साल की कंटिन्यूस सर्विसेज के लिए, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू होगी शेयर की, वही फेयर वैल्यू कंसिडर की जाएगी। अच्छा, अब फेयर वैल्यू शेयर की कैसे निकाली जाएगी? लिस्टेड है या अनलिस्टेड, कोटेड अनकोटेड? तो कोटेड है तब तो क्या मिल जाएगा आपको? मार्केट प्राइस मिल जाएगा, जो भी उस टाइम मार्केट प्राइस प्रिवेल कर रहा होगा। और अनलिस्टेड है तो, अनकोटेड है तो सर वैल्यूएशन मॉडल यूज किए जाएंगे, ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल, दैट इज बाइनोमियल और बीएसएम वगैरह। बुक्स में रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा? अगर ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर्स है तब तो एसेट अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट या सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू। ओके, और अगर एम्प्लॉइज के साथ हुआ ट्रांजेक्शन तो डिपेंड करता है वो इक्विटी प्लान है या कैश प्लान है या ऑप्शन ऑफ इक्विटी और कैश या सेटलमेंट अल्टरनेटिव भी बोला जा सकता है इसको, सेटलमेंट अल्टरनेटिव भी बोला जा सकता है। ऑप्शन ऑफ इक्विटी और कैश को मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा दिया, सेटलमेंट अल्टरनेटिव। ओके, कि या इक्विटी लेना है या कैश लेना है। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करें किसकी? इक्विटी प्लान की। स्टार्ट कर दी थी उस दिन? हाँ सर, हमने स्टार्ट कर दी थी और कुछ टर्म्स वगैरह भी हमने देखे थे। तो अंडर इक्विटी प्लान एम्प्लॉई आर इश्यूड ओनली इक्विटी शेयर फॉर सर्विसेज रेंडर। एम्प्लॉयज को केवल क्या इश्यू किए जाएंगे? एम्प्लॉयज आर इश्यूड ओनली इक्विटी शेयर, मतलब यहाँ पे कैश का ऑप्शन नहीं है, या ये भी नहीं है कि हम आपको कैश देंगे, केवल और केवल क्या दिया जाएगा? इक्विटी शेयर। उसमें हमने कहा क्या क्या कहा? इक्विटी प्लान, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट सिस्टम या शेयर बेस्ड प्लान, पेमेंट प्लान। ओके, कॉन्सेप्ट क्या क्या था पूछूं? कुछ नाम क्या क्या? ओके, हाँ जी, ग्रांट डेट क्या होता है? जिस दिन अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट डेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डेट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। हाँ जी, वेस्टिंग कंडीशंस क्या होती हैं? इट हैज टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? जिस टाइम वेस्टिंग कंडीशंस को पूरा करना होता है, परफॉर्म करना होता है, टारगेट को मीट आउट करना होता है। हाँ जी, एक्सरसाइज डेट, जिस दिन हम एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए? टू एक्सेस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, शेयर्स खरीद लेने के लिए। एक्सरसाइज पीरियड, जिस ड्यूरेशन में आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब शेयर खरीद सकते हो। एक्सपायरी डेट, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट में एक्सपायरी डेट। वेस्टिंग डेट ही एक्सरसाइज डेट हो गया है, वेस्टिंग डेट ही क्या हो गया है? एक्सरसाइज डेट हो गया है।
एक्सपायरी डेट क्या हो गया? सबसे लास्ट वाला। ओके भैया, एक्सरसाइज पीरियड भी खत्म हो गया। ओके, लाइफ ऑफ द ऑप्शन पूरा कंप्लीट मिलाकर होगा वेस्टिंग पीरियड प्लस एक्सरसाइज पीरियड। ओके, फेयर वैल्यू डिसाइड होगी होगी एट द ग्रैंड डेट। ओके, फिक्स रहेगा। इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑप्शन मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस कहला जाएगा। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। नाउ आगे बढ़े। अब हमें ये देखना है हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इक्विटी प्लान। अब इक्विटी प्लान है तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो फेयर वैल्यू होगी उसे मुझे क्या करना होगा, वेस्टिंग पीरियड में एलोकेट करना होगा कि नहीं करना होगा। कहा था मैंने फेयर वैल्यू मतलब जैसे मैं 100 रुपए वाला शेयर आपको बोल रहा हूँ 40 पे ले लूं, ऑप्शन दिया 60 रुपए, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस बुक किया जाएगा। अभी एक्सपेंस कौन से ड्यूरेशन में बुक किया जाएगा, मेरे एग्जाम्पल का अगर मैं देखूं तो 3 साल, 3 साल में कैसे एलोकेट करना है ये सब जानते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हर चीज हम आगे प्रोसीड करेंगे वन बाय वन देखते हैं। एक्सपेंसेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, तो लिखो हैशटैग। चल क्या रहा है, इक्विटी प्लान ही चल रहा है, ठीक है ना, इक्विटी प्लान ही चल रहा है। भले ही आप इसमें है ना हैशटैग की जगह फिर अंदर ही अंदर हैशटैग चलते रहेंगे, हैशटैग के साथ वन नंबर और लगा दो, फर्स्ट नंबर इक्विटी प्लान। हाँ जी, हाउ टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, हाउ टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। इन खर्चों को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा, बुक्स में रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे सीखेंगे। फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सर, फेयर वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू कौन सा? सर एक्सपायरी डेट के बाद शेयर सेल कर सकते हैं क्या? जैसे ही आप एक्सरसाइज कर लोगे शेयर खरीद लोगे उसके बाद कभी भी आप बेच सकते हैं अगर कोई लॉक इन पीरियड ना हो तो। ठीक है आर्यन, ओके जी। हाँ जी, कैलकुलेशन इसमें दो प्रेफरेंस रहेगा क्वेश्चन में। पहला जो हम लेंगे जिसको मैं नाम दे रहा हूं प्रेफरेंस वन, एक्सपेंसेस कैलकुलेट कैसे होंगे, एक्सपेंसेस इक्वल्स टू, एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स या शेयर ऑप्शंस, दोनों में फर्क पता है ना? अगर आप कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हो तो शेयर्स, पैसा चार्ज कर रहे हो तो शेयर ऑप्शंस, इनटू फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट। फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, ग्रांट डेट को जो भी फेयर वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू किसकी, शेयर्स की, या फेयर वैल्यू किसकी, ऑप्शंस की, ठीक है ना? तो फेयर वैल्यू जो भी होगी ग्रांट डेट को हम उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से या नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन से, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। ओके, तो मतलब प्रेफरेंस फर्स्ट में अपने को क्या लेना है, फेयर वैल्यू, और प्रेफरेंस सेकंड में अपने को क्या लेना है, इंट्रेंसिक वैल्यू। एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर ऑप्शन। अब ये नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन भी कैसे आएंगे फाइंड आउट, इसको भी अपन धीरे धीरे जानेंगे, कितने एम्प्लॉइज को देना है ये भी कैलकुलेशन होगी। तो नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन
इनटू इंट्रेंसिक वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, फिर मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस यूज करेंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू। ओके, तो फेयर वैल्यू आप हाईलाइट कर सकते हैं कहां पे, एट ग्रांट डेट। क्वेश्चन वाला भले ही बार बार चिल्ला है कि फेयर वैल्यू इस दिन ये हो गई है, अब ये चेंज हो गई है, अब ये हो गई है, बिल्कुल परेशान मत होना। फेयर वैल्यू कौन सी वाली लेनी है, ग्रांट डेट वाली लेनी है। इक्विटी प्लान की बात कर रहा हूं, कैश बेस्ड प्लान की बात नहीं कर रहा, कैश सेटल्ड प्लान की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, अब मैं लिखवा देता हूं, उस दिन अगर आयुष नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं। शेयर वर्ड इज यूज्ड व्हेन इट इज फ्री, व्हेन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट मींस नो एक्सरसाइज प्राइस, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा, और शेयर ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन एक्सरसाइज प्राइस एग्जिस्ट, व्हेन एक्सरसाइज प्राइस एग्जिस्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर वेस्टिंग पीरियड, ओवर वेस्टिंग पीरियड। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। अरे सर तो बहुत आसान है, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था तो हम क्या करेंगे, तीनों सालों में पूरा खर्चा को क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। लेकिन पता है आगे चल के इसमें ना इतना आसान होगा तो कैसे होगा, आगे चल के इनमें एम्प्लॉइज चक्कर डालेंगे। पता है क्या, एम्प्लॉइज क्या जरूरी है 3 साल तक रहेंगे, जाते भी तो जाएंगे, कोई किसी रीजन से चला जाएगा, कोई किसी रीजन से चला जाएगा, तो उसको भी तो दिमाग में रखना पड़ेगा, या फिर अपना हर बार का एस्टिमेशन बदल भी जाएगा, देखेंगे। वैसे फिलहाल तो शुरुआत सिंपल से कर रहे हैं, तो लिखो एग्जाम्पल, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ग्रांट 10,000 इक्विटी शेयर्स, ए लिमिटेड ग्रांट 10,000 इक्विटी शेयर्स टू इट्स to its employee on 1st April 2023, 1 अप्रैल 2023 को 10,000 शेयर्स क्या किए गए हैं, एम्प्लॉय ने ग्रांट किए हैं, एम्प्लॉय को ग्रांट किए गए हैं। वेस्टिंग पीरियड कितना, वेस्टिंग पीरियड है 3 साल, मतलब खर्चा वो कितने सालों में करना है, 3 सालों में करना है। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज रुपीज 60, इज रुपीज 60, कौन सी डेट को, ओके 1 अप्रैल 2023 ग्रैंड डेट को। So how expenses are recognized?
शो हाउ एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड. कैसे खर्चा बुक करोगे बोलूं? तो मैंने पहले कैलकुलेशन में बताया था टोटल एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कैसे आएगा. टोटल एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कैसे आएगा सर? 10,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, कुछ पैसा चार्ज थोड़ी ना कर रहे हैं आपसे. नो ओके, इसलिए शेयर वर्ड यूज किया गया. तो 10,000 शेयर्स और हर शेयर का फेयर वैल्यू गिवन है 60. कितना हुआ? 6 लाख रुपए. और खर्चा बुक कैसे करना है? एसएलएम बेसिस पे. तो एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर. छह लाख डिवाइडेड बाय कितना? 3. 2 लाख रुपए. मुश्किल? नो. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इन रियलिटी एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअल में क्या एम्प्लॉयज सेम बने रहते हैं? नो. कि जितने भी एम्प्लॉयज, ये तो मान लो चलो मैंने एक एम्प्लॉय को दे दिए होंगे 10,000 शेयर, ठीक है ना. लेकिन मान लो एम्प्लॉयज हो 100 एम्प्लॉयज को दिए, अब 100 एम्प्लॉयज क्या हमेशा 100 एम्प्लॉयज बने रहेंगे 3 साल तक? किसी का कुछ भी काम पड़ सकता है. स्टार्टिंग में जैसे बात हो रही थी है ना, तो मान लो कोई, अरे टाइम बोलने वाला, हाँ समझ रहे हो तुम. तो मान लो कोई एम्प्लॉय चला जाए, हाँ निकल जाए, तो अब क्या होगा? हाँ तो फिर वो भी तो नहीं काउंट हो पाएगा. तो कहने मतलब कोई भी रीजन से एम्प्लॉयज कम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं. तो अब क्या होगा? एम्प्लॉयज चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, एम्प्लॉय चेंज हो सकते हैं. तो इसलिए क्या होगा? ये सिंपल प्रोसेस तो काम नहीं करेगा. तो फिर कैसे करेंगे वो देखो. अभी तो हमने क्या किया, सबको डिवाइड बाय 3 कर दिया और बस ये मान लिया कि सारे एम्प्लॉयज हर टाइम पूरे 3 साल तक रहेंगे, उनको शेयर दे दिए जाएंगे. इन रियलिटी ऑल एम्प्लॉयज विल नॉट एक्सरसाइज शेयर ऑप्शंस इन दैट केस. इन दैट केस एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज एज फॉलोज. एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज एज फॉलोज. कैसे खर्चे बुक करोगे देखो. स्टेटमेंट बनेगा पूरा. पार्टिकुलर्स, उसके बाद ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3. 3 साल मान के चलता हूं. सबसे पहले फर्स्ट आप क्या डिसाइड करेंगे? कितने एम्प्लॉयज एक्सरसाइज करेंगे ये ऑप्शन? तो सबसे पहले एस्टिमेटेड एम्प्लॉयज टू वेस्ट. एस्टिमेटेड एम्प्लॉयज आप हर साल के एंड में ये सोचेंगे कि क्या लगता है कितने एम्प्लॉयज इस स्कीम का फायदा उठा लेंगे, कितने एम्प्लॉयज को ये शेयर्स देने होंगे. एस्टिमेटेड एम्प्लॉयज टू वेस्ट. ओके जी. फिर क्वेश्चन में आप क्या चेक करेंगे? हर एम्प्लॉय को आपने कितने ऑप्शंस दिए हैं? हर एम्प्लॉय को आपने
कितने ऑप्शंस दिए, सेकंड चीज, पहला चीज एम्प्लॉइज, दूसरा हर एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन दिए गए हैं, तो लिखो शेयर ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। शेयर ऑप्शन पर एम्प्लॉय, ऐसा करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस तो आएगा ही नहीं, अभी तक तो रुपीस तो लिखा ही नहीं है, फेयर वैल्यू तो आया ही नहीं है, टोटल ऑप्शंस, टोटल शेयर ऑप्शंस, ओके, या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू वेस्ट। हाँ जी आर्यन, ये आ जाएगा एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू वेस्ट, कितने शेयर्स हमें देने होंगे, कैसे आएगा, ए इंटू बी। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी, तीसरी क्यों बोल रहा हूं, पहली एम्प्लॉइज, दूसरी शेयर ऑप्शन, हर एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि भैया हर शेयर या हर ऑप्शन का फेयर वैल्यू कितना है, लिखो फिर फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट, फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट, और फेयर वैल्यू ना हो तो इंट्रेंसिक वैल्यू, ओके, फिर जैसे ही ऑप्शंस को आप फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास क्या आ जाएगा, अब क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू फेयर वैल्यू, दैट इज टोटल एक्सपेंसेस। ये टेबल के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूं, जरूरी नहीं कि हम टेबल के अकॉर्डिंग आंसर करें, चार फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चार फैक्टर्स में पहला हो गया एम्प्लॉइज, दूसरा हो गया ऑप्शन, तीसरा हो गया फेयर वैल्यू, तीसरा हो गया है फेयर वैल्यू, नहीं अभी तक नहीं, अभी तक चौथा नाम आया नहीं है, अभी तक तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन चला ना उसका, तो मैं सी और ई को तो काउंट कर ही नहीं रहा हूँ, सी और ई को तो काउंट किया ही नहीं, सी क्या है ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, ई क्या है डी और सी का मल्टीप्लीकेशन, टोटल एक्सपेंसेस लिख दो सी और इंटू डी, सी इंटू डी, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन इंटू फेयर वैल्यू, ओके। अब एफ पॉइंट, फोर्थ फैक्टर, वेस्टिंग पीरियड, इसको भी तो दिमाग में रखना पड़ेगा, ओके, बस चार फैक्टर्स, एम्प्लॉइज, देन ऑप्शन, देन फेयर वैल्यू, देन वेस्टिंग पीरियड, इतने में हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें टेबल से हो, हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, डिपेंड करता है टाइम कितना है, ठीक है जी, ओके, ऑब्वियसली हमें छोटा वाला तरीका ही पसंद आएगा, लेकिन एक बार डेटा लिख लेंगे तो ठीक है, दोनों तरीके से दिमाग में रहेगा। चलिए जी, कितनी बड़ी है जी, एच आई बस, ओके जी, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस अब रिकॉर्ड करने का तरीका हम सीखेंगे, बट अभी आप एक बार लिख लो बस, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टू बी रिकॉग्नाइज्ड, सर ये कैसे आएगा, टोटल एक्सपेंसेस इनटू पीरियड एक्सपायर्ड टिल डेट, पीरियड एक्सपायर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड एफ, सर ये क्या हो गया, यहां पे हमें समझ में नहीं आया, रुक जाओ थोड़ा, हाँ जी, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, एच पॉइंट और लिख लो, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज टिल प्रीवियस ईयर, पिछले साल तक कितना बुक कर लिया, और आए लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर,
एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर। देखो वैल्यू पुट करके बताता हूं थोड़ा बहुत। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में क्या किया, एम्प्लॉइज को ऑप्शंस दिए, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको लग रहा है कि 100 एम्प्लॉइज क्या कर पाएंगे, ये शेयर एक्सरसाइज कर लेंगे, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। हर एक एम्प्लॉय को आपने कितने ऑप्शन दिए हैं, 10 ऑप्शन दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन या टोटल नंबर ऑफ शेयर टू वेस्ट कितना हो जाएगा, आपको लग रहा है कि 3 साल बाद 1000 शेयर हमें देने होंगे। ओके, आज फेयर वैल्यू डिसाइड किया हर शेयर का कितना, ₹50, कितना ₹60 चेंज कर दिया, 3 साल है ना, देखते हैं इजी रहेगा कैलकुलेशन में, ₹60 फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट कितना था, ₹60। अब आपको क्या लग रहा है, 1000 शेयर देने होंगे, ₹60 फेयर वैल्यू है आज की डेट में, तो 1000 × 60 कितना हुआ, 60,000। ओके, ₹60,000। वेस्टिंग पीरियड आज कितना लग रहा है, 3 साल। हाँ सर, वेस्टिंग पीरियड 3 साल, 3 साल, 3 साल। सर वेस्टिंग पीरियड तो सेम ही रहता होगा ना, नो, वेस्टिंग पीरियड भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, आगे चल के बताऊंगा, डिपेंड करता है कि वो सर्विस कंडीशन है या मार्केट कंडीशन है, सर्विस कंडीशन है या परफॉर्मेंस कंडीशन है। अभी तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्विस कंडीशन, कि बस इतने साल तक बने रहो हम आपको शेयर दे देंगे, अभी कोई टारगेट बेस्ड बात नहीं कर रहा हूं, बस 3 साल रहोगे हम आपको शेयर दे देंगे, ठीक है। ओके, तो वेस्टिंग पीरियड 3 साल, टोटल एक्सपेंसेस 60,000, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस मतलब पहले साल तक आपका कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए। देखो जी टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 60,000, पीरियड एक्सपायर्ड अभी 1 साल ही बीता है और टोटल कितना है वेस्टिंग पीरियड 3 साल, तो 60,000। वैसे भी अपने अभी तक ये सोचा था ना 60,000 या 3 सालों में बांट देंगे, तो 60,000 / 3 कितना होता है, 20,000। ओके, पिछली बार तक कितना खर्चा बुक कर लिया था, कुछ भी नहीं किया था सर। ओके, तो ये था 20,000, पिछली बार तक कुछ नहीं किया, इसका मतलब सारा खर्चा इसी बार बुक करना है। सर ये तो वैसे भी आ जाता, 1000 × 60 करते, 60,000 / 3 करते, आंसर आ जाता, आ जाता। बट ध्यान से आगे, ईयर टू मुझे लगा कि 90 एम्प्लॉय ही क्या होंगे एक्चुअली, अभी भी एस्टिमेशन ही है, अभी भी एस्टिमेशन है, क्योंकि 3 साल खत्म होने पर पता चलेगा। 90 एम्प्लॉयज ही क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शंस, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है, चेंज हो गया। अच्छा, हर एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन, 10, टोटल ऑप्शंस कितने हो गए, 900, फेयर वैल्यू कितनी है, 60, तो उसके अकॉर्डिंग खर्चा कितना हुआ अभी, 900 × 60, तो आपको लग रहा है कि टोटल एक्सपेंस कितना बनेगा, 54,000 का बनेगा। 54,000 में इस बार तक सेकेंड ईयर तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए था सर, 54,000, 2/3 खर्चा बुक हो जाना चाहिए था। रटने की जरूरत नहीं है कि E into period expired till that divided by F, no, भाई टोटल खर्चा 54,000 है, 2 साल बीत गए, टोटल 3 साल में खर्चा बुक करना है, तो 2/3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए खर्चा बुक, हाँ, तो 54,000 × 2/3 कितना होता है, 36,000 का खर्चा बुक हो जाना चाहिए था 2 साल तक। पिछली बार कितना हो गया है, इस बार और कितना कर दें, 16,000। समझ में आया, चलिए तीसरा साल और देख लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली 93 एम्प्लॉइज ने क्या कर लिया, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, 93 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, 95 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन दिए गए थे, 10, तो टोटल एम्प्लॉइज ऑप्शन कितने हो गए, टोटल शेयर ऑप्शंस 930, और हर शेयर पे फेयर वैल्यू कितना, ₹10, फेयर वैल्यू चेंज हुई क्या, नो, फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट वही रहेगी आगे तक। ओके, 930 × 60 कितना, 55,800,
55,800, अब तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए था? सर ये तो लास्ट ईयर है, 3 साल पूरे हो गए, तो अब तक तो सारा खर्चा बुक हो जाना चाहिए। तो 55,800 खर्चा बुक हो जाना चाहिए। 55,800 में से पिछली बार तक कितना हो गया था? पिछली बार तक 36,000 हो गया था क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस। और कितना करना है? 19,800। क्लियर है वाली चीज? कर सकते हैं इस तरीके से एक्सपेंसेस बुक। ओके सर, छोटा तरीका बस वही है कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म में ना देकर सीधा लिख दो। कैसे लिखोगे सर? ईयर वन कितने एम्प्लॉइज? 100 एम्प्लॉइज। इनटू हर एक को कितना ऑप्शन? 10 ऑप्शन। इनटू फेयर वैल्यू कितनी? 60 रुपए। पीरियड एक्सपायर डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। पहले साल कितना? पहले साल 20,000, क्योंकि माइनस तो कुछ करना है नहीं, पिछली बार तक तो कुछ था नहीं। ईयर टू 90 एम्प्लॉइज। मैंने क्या कहा था? 4 फैक्टर राइट। इनटू हर एक को 10 ऑप्शन। फेयर वैल्यू 60। 2/3 खर्चा बुक हो जाना चाहिए अब तक। उसमें से पिछली बार कितना बुक हो गया? 20,000। तो लिखूंगा इस तरीके से मैं वापस। टोटल 36,000 बुक हो जाना चाहिए था, पिछली बार 20,000 हो गया, तो अब कितना? 16,000। 36,000 लिखने का रीजन क्या रहेगा? 36,000 आगे चल के मुझे लेस करना होगा, तो लिख दिया मैंने। तरीका है अलग अलग और कुछ नहीं। ओके ईयर थ्री क्या रहेगा? 93 एम्प्लॉइज, हर एक को 10 ऑप्शन। इंटू ₹60। अब तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए पूरा कंप्लीट? माइनस पिछले साल तक कितना हो गया था? 36,000। ओके डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख दो, वरना 58 55 800 माइनस 36,000 कितना आएगा? 19,800। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं या स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हैं। डेटा पुट करना है क्या तुमको? ओके कर लूं। हाँ जी ऑनलाइन में। ओके रिशिता, सिर्फ स्टेटमेंट लिखवाता तो नहीं होता, बट वैल्यू पुट करवा दिया तो आई थिंक अब समझ में आ गया। हाँ जी लिख लीजिए यहां तक। स्क्रॉल कर दे नीचे। ऑल्टरनेटिवली अपन इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली ऑब्वियसली आप सब लोग क्या चाहेंगे कि हम टेबल प्रेजेंटेशन ना करें और हम डायरेक्ट दिखा दें। बस 4 फैक्टर्स ही है याद रखना, एम्प्लॉइज देन ऑप्शंस देन फेयर वैल्यू और देन पीरियड एक्सपायर्ड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड।
और माइनस जो करना होता ही है कि प्रीवियसली कितना रिकॉग्नाइज हो गया है। हाँ जी ऑनलाइन वालों बोलो, समझ में आ गया क्या? फटाफट से मैसेज करो, यस सर। आर्यन, आयुष, हर्षिता, मोहक, ओके, मोनिका, नंदिनी, निखिल, रिशिता, सागर, ओके, डन। ठीक है जी, ओके। हो जाए तो डन बोलना, डन, ओके वैदेही, ओके अदिति, हाँ जी। जर्नल सीख लेते हैं अब, एंट्रीज कैसे होंगी। बजरंग लिख लिया सारा, थोड़ा सा बाकी है, लिखो। ओके मोनिका, डन, बढ़े आगे, ओके लिख लो, लिख लो आराम से, गलत मत लिखना। 3 पॉइंट हो गए ना एक्सपेंसेस में अभी तक, पहला कैलकुलेशन, दूसरा एसएलएम बेसिस पे, और तीसरे बताया कि भाई एक्चुअली एम्प्लॉइज क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। एक काम करो, उस तरीके से प्रॉपर या तो टेबल बना लो या इन शॉर्ट इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। 4 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, कौन कौन से? एस्टिमेटेड एम्प्लॉइज टू वेस्ट, नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉई, फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट, और पीरियड एक्सपायर डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, ठीक है ना? और माइनस प्रीवियस ईयर तक आप कितना क्यूमुलेटिव बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर चुके हैं वो लेस कर दो, ओके। हाँ, रिकॉग्नाइज टिल प्रीवियस ईयर, डन। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, हाउ टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस में फोर्थ पॉइंट चल रहा है, जर्नल। रिकॉग्नाइज मतलब बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो जर्नल भी देखो, जर्नल क्या रहेगा? एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में आप ये खर्चा बुक कर रहे थे ना, खर्चा रिकॉग्नाइज कर रहे थे फॉर द करंट ईयर, तो उससे एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? ये 20,000, ये 16,000, ये 19,800, इससे आपको क्या करनी होगी? एंट्रीज करनी होगी। तो हर साल के एंड में आप एंट्री क्या करोगे? एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, आपके मॉड्यूल में एम्प्लॉय एक्सपेंसेस यूज है, बाकी हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, खर्चा तो बुक कर लिया, टू क्या करें? टू एसबीपी रिजर्व, टू एसबीपी रिजर्व। आगे जाके हमें क्या करना है? शेयर इश्यू करना है, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट बनेगा, तो अभी फिलहाल हम क्या इसको ऑप्शन में डाल देते हैं, कहाँ कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? एसबीपी रिजर्व अकाउंट में। और ये कहाँ इश्यू होगा? अदर इक्विटी। सर ये बैलेंस शीट में अदर इक्विटी कहाँ आता है? जब बताऊंगा बैलेंस शीट तब देखेंगे। जो तुम लोग इंटर में बैलेंस शीट पढ़े थे ना, सिलेबस 16 वालों, हमारे इंडेक्स के बेसिस पे बैलेंस शीट नहीं था, अब सिलेबस 22 में तो इंटर में भी क्या कर दिया है, दोनों बैलेंस शीट लिख दिया गया, जो तुमको पढ़ाया गया था वो भी और इंडेक्स के बेसिस पर वो भी, ठीक है ना? कोई बात नहीं, हमारा पढ़ावा नहीं है तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे।
है ना। तो एसबीपी रिजर्व कहाँ जाएगा, बस ब्रैकेट में लिखना है अदर इक्विटी। तो ये अदर इक्विटी लिख के रखना है क्या सर इसके आगे? बिल्कुल, आपके मॉड्यूल में प्रॉपर यूज किया गया है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अदर इक्विटी। ओके, फिर लिखो स्टार मार्क। इफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एसेट, इफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एसेट आर रिलेटेड टू एसेट, अगर एसेट से रिलेटेड है, देन कैपिटलाइज्ड, देन कैपिटलाइज्ड, देन एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज। मतलब क्या हुआ, ये बचपन में पढ़ा था आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बात बताओ, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर मैंने वर्कर्स लगा रखे हैं और वर्कर्स को मैं वेजेस दे रहा हूं, तो वो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है ना। कोई मटेरियल मैं परचेज करके लेके आया बिल्डिंग बनाने के लिए, सीमेंट खरीदा लेकिन उसका यूज क्या कर रहा हूँ, बिल्डिंग में, तो वो हालांकि मेरा बिजनेस क्या है, सीमेंट बेचने का ही है, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफिस बिल्डिंग बना रहा हूँ। चलो अब ऑफिस बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मैं अपनी सीमेंट यूज करूंगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट करूं या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि वो मटेरियल कहाँ यूज हो रहा है, बिल्डिंग बनाने में, एसेट बनाने में यूज हो रहा है। तो ऐसे ही एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अगर एसेट से रिलेटेड है तो उन्हें क्या करना होगा, कैपिटलाइज करना होगा, मतलब एसेट अकाउंट में डेबिट करना होगा, अदरवाइज अदरवाइज ट्रांसफर टू पी एंड एल, वरना क्या कर देगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कर देना, खत्म बात। हर साल तो ये एंट्री करनी है, हर साल पी एंड एल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री ऑप्शनल है, बुक में नहीं की जाती है, ऑप्शनल है, हर साल या तो कर दो वरना रहने दो। ओके, पी एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, एट एक्सरसाइज डेट लिख दो, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज कुछ भी लिख दो, एट एक्सरसाइज डेट क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और वो जो एसबीपी रिजर्व आपने क्रिएट किया है हर साल, अब उसको रिवर्स करने का टाइम आ गया। ओके, तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अदर इक्विटी, अकाउंट डेबिट क्या कर रहे हो, शेयर दे रहे हो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे दे रहे हो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, फिर उसके बाद तो जिन्होंने शेयर एक्वायर कर लेंगे उनके लिए तो ये हो जाएगा। अच्छा सर, ये कैसे होगा, जैसे आपने, मैंने कहा 100 रुपए वाली चीज, फेयर वैल्यू की बात नहीं कर रहा, 100 रुपए वाला शेयर आपको 40 रुपए में एक्सरसाइज करने को दिया, तो 60 रुपए का खर्चा बुक किया होगा ना मैंने, तो ये 60 रुपए तो यहाँ पे आए होंगे ना, हर साल थोड़ा थोड़ा करके 60 रुपए आ गए। ओके, तो ये 60 तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिवर्स, और 40 रुपए आपसे क्या कर लिए जाएंगे, कलेक्ट, और वो 100 रुपए का शेयर आपको दे दिया जाएगा। अब 100 रुपए का शेयर में मान लीजिए 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो बाकी 90 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रीमियम बन जाएगा अकाउंट। ओके, हटा देते हैं वापस। चलिए सी, व्हेन ऑप्शन एक्सपायर्ड, व्हेन ऑप्शन एक्सपायर्ड, मतलब हो सकता है, हाँ जी, दैट इज वेस्टेड ऑप्शन, वेस्टेड ऑप्शन, वेस्टेड ऑप्शन मतलब जिन्होंने वेस्टिंग पीरियड तो पूरा कर लिया, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स मतलब अनवेस्टेड, मतलब जिन्होंने वेस्टिंग पीरियड भी पूरा नहीं किया वो पहले ही चले गए,
और वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट मतलब जिन्होंने वेस्टिंग पीरियड तो पूरा कर लिया बट बाद में उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, हो सकता है उन्हें लगा होगा कि हमारे लिए ये फेवरेबल नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारा जो एक्सरसाइज प्राइस है वही मार्केट रेट से क्या हो रहा हो, ज्यादा आ रहा हो, तो तुम्हारे शेयर क्यों लेगा फिर, तुमसे क्यों लेगा। तो वेस्टेड ऑप्शन क्या हो रहा है, लैप्स्ड। तो अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, मान लो कोई बंदा भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, जितने भी शेयर्स के लिए एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है, उसके लिए आप क्या करोगे, आपने एसबीपी रिजर्व तो बनाए रखा है, उसे रिवर्स करना होगा कि नहीं करना होगा, करो। तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट कहां जाएगा, अदर इक्विटी डेबिट, दो बार मैंने अकाउंट लिख दिया यहां पे। हाँ जी, तो एसबीपी रिजर्व अदर इक्विटी डेबिट टू कहां ट्रांसफर कर दोगे, वेरी गुड, जनरल रिजर्व। हमने स्पेसिफिक वर्क के लिए क्या तैयार किया था, हर साल प्रॉफिट से अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया था, अब वो काम का ही नहीं है तो उसे कहां ट्रांसफर कर दोगे, जनरल रिजर्व। जैसे डीआरआर नहीं बनाते थे तुम लोग, डीआरआर डीएसएफ, जब काम पूरा हो जाता था जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे, खत्म बात। तो यहां पे भी एसबीबी रिजर्व को कहां ट्रांसफर कर दोगे, जनरल रिजर्व। बोलो आगे करना है या कल, कल करते हैं क्योंकि अब नया स्टार्ट हो जाएगा, नई चीज, नई चीज मतलब अब हम बात करेंगे कल कि एम्प्लॉइज के बारे में एस्टिमेशन कैसे लगाया जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वगैरह, वो सब चीजें, तो कल बात करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, एंड बहुत कम पढ़ा ना, और पढ़े क्या, चलो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।